20+ ईयर्स आईटी इंडस्ट्री में काम करने के बाद एक चीज जो मैंने रियलाइज की है कि लोग कोडिंग या प्रोग्रामिंग को अच्छी तरह जब पकड़ नहीं पाते हैं, उसका एक मेन रीजन होता है कि वो समझते हैं कि कंप्यूटर इज वेरी स्मार्ट। इसका यह मतलब हुआ कि आप बस कंप्यूटर को बता दोगे और कंप्यूटर आपके लिए वो सॉल्व करके दे देगा। इनफैक्ट अगर आपको अच्छा कोडर या प्रोग्रामर बनना है तो सबसे पहले जो चीज आपको समझनी वो है कि कंप्यूटर इज डम। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो आपको उसको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बतानी पड़ेगी। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको पता होगा पैलिंड्रोम क्या होते हैं, कोई भी वर्ड जिसको कि आप सीधा या उल्टा लिखें इट विल रिमेन सेम। मलयालम। अब कोई वर्ड पैलिंड्रोम है कि नहीं है, अगर ये आपको इसका प्रोग्राम लिखना है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये वर्ड लो और बताओ ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। नहीं, आपको कंप्यूटर को एक एक स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा। वो कैसे? आपको बोलना पड़ेगा कि अच्छा इसकी पूरी लेंथ कितनी है ये कैलकुलेट करो। तो इसकी लेंथ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 लेटर्स का है। अब पहला लेटर लो और सबसे लास्ट वाला लो और कंपेयर करो कि वो सेम है क्या। सेम है। उसके बाद आप दूसरा लेटर लो और पीछे से आते हुए दूसरा लेटर लो, वो सेम है क्या? वो सेम है। इस तरीके से आपको एक एक स्टेप लिख के कंप्यूटर को देना पड़ेगा, तब वो बता पाएगा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अब हाँ, ये है कि आप इसको कोडिंग के फॉर्म में लिख सकते हो कि आप उसको बोल सकते हो अब आप कोई भी वर्ड दो, बट आपको ये स्टेप एक बार कंप्यूटर को बताने ही पड़ेंगे अपने लैंग्वेज के थ्रू। आप एज्यूम नहीं कर सकते कि कंप्यूटर का आप वर्ड दोगे और बोलेगा ओह इट इज पैलिंड्रोम। जैसे आप जो भी किड्स या किसी को भी अगर एक बार पैलिंड्रोम समझ में आ जाए, वो जस्ट वर्ड देखते हैं और उनको समझ में आ जाता है पैलिंड्रोम है कि नहीं है। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है, बिकॉज कंप्यूटर इज डम। आपको स्टेप बाय स्टेप उसको हर चीज बतानी पड़ेगी। इनफैक्ट कंप्यूटर इतना डम होता है कि उसको केवल दो ही डिजिट्स पता है, 0 और 1। उसे ना कोई अल्फाबेट्स पता है और इसके अलावा कोई नंबर नहीं पता है। इनफैक्ट एक अच्छा मेंटल मॉडल है कि आप ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर ऐसे छोटे छोटे आपके इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हैं। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो 0 और इलेक्ट्रिसिटी है तो 1। केवल 0 और 1 के बेसिस में ही पूरा का पूरा कंप्यूटर ऑपरेट करता है। मगर कंप्यूटर के भी अपनी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ पावर है, तभी तो वो इतना पॉपुलर है। तो वो क्या है? कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी स्पीड से, ऑलमोस्ट जैसे जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उस लेवल पे काम करती है। तो ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकता है। बहुत फास्ट मतलब इट्स लाइक मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड काइंड ऑफ थिंग। कंप्यूटर बहुत सारा स्टोरेज कर सकता है। आप जितना डेटा दे दो, आपको पता ही, आप छोटी छोटी हार्ड डिस्क में आपने देखा होगा कितनी मूवीज, कितने सॉन्ग्स, कितने व्हाट्सएप चैट, सब कुछ आके बैठ जाते हैं। वही आप एज्यूम करो कि अगर वो चीज आप अगर आपको किसी पेपर में लिख के या फोटोग्राफ्स निकाल के रखनी पड़ेंगी तो आपको कितना फिजिकल स्टोरेज लगेगा, कितने पेपर्स लगेंगे। तो इसको स्टोरेज इसकी बहुत बहुत ज्यादा कैपेसिटी में ये स्टोर कर सकता है, बहुत छोटी जगह में। और बिकॉज की कैलकुलेशन फास्ट है और स्टोरेज है, तो ये सर्च भी कोई चीज को बहुत फास्ट कर पाता है चीजों को, क्योंकि जैसे ही आप जाते हो फाइल सिस्टम में, आपको क्विकली सर्च करके आपको कहीं की भी फाइल कहीं से ढूंढ के दे देगा। गूगल आपको पता है कुछ भी सर्च करके दे देता है। बट अगेन इट ऑल गोज बैक टू उसकी कैलकुलेशन पावर और उसकी स्टोरेज पावर पे। और आजकल जैसे आप सुनते ही हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI, which everyone thinks कि ये वर्ल्ड को चेंज कर देगा, बट इसमें भी आप इंटरेस्टिंग क्या है, इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, एंड दैट इज व्हाट कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर।
दे लुक इंटेलिजेंट बिकॉज वी आर्टिफिशियली क्रिएट प्रोग्राम्स इनसाइड इट विच गिव्स, वो ऐसा एक नोशन देते हैं, वो इस तरीके से आपके सामने आते हैं कि आपको लगता है कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंट है। तो अगर आपको कंप्यूटर्स को समझना है, कोडिंग्स को समझना है, तो सबसे पहले ये समझिए कि कंप्यूटर एक डंब मशीन होती है और आपको हर स्टेप, हर जो उसको इंस्ट्रक्शंस है वो आपको बहुत क्लियरली, बहुत अनएम्बिग्यूअसली आपको वो देने पड़ेंगे, तभी आप कंप्यूटर अपना काम कर पाएगा। इस वीडियो में आज हम ये रुकेंगे, बट हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम क्या करेंगे कि पहले हम थोड़ा और समझेंगे कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके बाद वी विल एक्चुअली डू सम सिंपल प्रोग्राम्स। हम एक कुछ सिंपल प्रोग्राम्स, कुछ लैंग्वेजेस, हम एक लैंग्वेज पिक करेंगे, जावा, पाइथन, अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक वो है तो आप बता सकते हैं, बट वी कैन पिक एनी लैंग्वेज। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपकी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी का लैंग्वेज से एज सच कोई रिलेशन नहीं होता है। लैंग्वेज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लैंग्वेज के अपने फीचर्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड होता है, जो आपकी कैपेबिलिटी होती है प्रोग्राम्स को स्ट्रक्चर करने की, उसका लैंग्वेज से कोई रिलेशन नहीं होता है। सो विल स्टॉप हियर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी पार्ट ऑफ द सीरीज दैट वी विल टेक इट फर्दर।